वर्तमान में जो विरोध चल रहा उसको लेकर के सौंपे हैं कि कुछ और कुछ आप लोगों का मुद्दा है? हम लोग हमेशा देखते हुए हैं कि अभी एक विवाद चल रहा जो संताली समाज में ओल चिकी को लेकर के हम लोग यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा उपायुक्त को, क्या कार्रवाई किया जाए उन लोगों के ऊपर, किस प्रकार का होगा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग विभिन्न यहाँ सभी को आए हुए हैं, तो सर आइए आइए आगे बात करते हैं। ओलचिकी पे सर बोलेंगे, आइए आइए आगे हम लोग बात करेंगे। सर थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी जो आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं ओलचिकी को लेकर के, है ना, ओलचिकी को का क्या ज्ञापन है आप लोगों का? ओलचिकी जो है एक ओलचिकी तो चेक करना आदिम को अमेर करना, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ये ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया और ओलचिकी लिपि से संथाल भाषा को हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, एहसास करते हैं, समझते हैं। और आज 1925 से 2025 तक ये 100वां साल होने वाला है और हम लोग का अभी ये डिमांड है कि ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम हर जगह में ओलचिकी लिपि को आदमी पढ़ते हैं, उसको पूछते हैं। और हम भी चाहते हैं कि झारखंड में भी उसका संताली भाषा का अलग से अकादमी बने और भाषा का प्रचार प्रसार हो और पुस्तकों का जो ओलचिकी लिपि से मुद्रित हो, शिक्षकों की बहाली हो और पढ़ाई जो चालू हो। हमारा भारतीय मुद्रा में ओलचिकी से लिखा जाए, ये सब हम लोग बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन आठवां अनुसूची में शामिल भी हो गया है, सरकार इस पे काम भी कर रही है, इस बार का बजट भी ओलचिकी में आ भी गया है, है ना। लेकिन अभी जो कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि लोग इस पे विरोध करने लग गए हैं कि ओलचिकी में नहीं देवनागरी में होना चाहिए, तो उन विरोध करने लोगों को आपका तरफ से क्या बोलना चाहिए? विरोध जो कर रहे वो अपना उसका बचपना है, वो लोग को नहीं मालूम है। असल में वो लोग कुछ दूसरा कुछ शक्ति उसके ऊपर हावी है, इसीलिए हमारा समाज का जो भाषा है, लिपि है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन में वो उसको भी समझ में आ जाएगा और वो भी ओलचिकी को स्वीकार करेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। अभी वो लोग को भी समझना चाहिए। कुछ लोग धर्मांतरण हो चुके हैं जिसके चलते वो लोग को एक रोमन लिपि से प्यार हो गया है, तो उतना जल्दी ओलचिकी को ग्रहण नहीं करेंगे, तो आने वाले दिन में उसको भी इसको, क्योंकि ये संवैधानिक भाषा है, इसलिए तो कोई रोक नहीं सकता इसको यहाँ लागू होने से। तो वो लोग, अच्छा ठीक है, कितने लोग विरोध करने वाले लोग हैं? और 4-5% है जो ओलचिकी का विरोध कर रहे हैं। आप लोग जो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ओलचिकी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और वो लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं ओलचिकी को हम लोग आगे नहीं बढ़ा के हम लोग देवनागरी में उसको पढ़ना चाहेंगे, क्या तो देवनागरी में अच्छा है कि आप लोग ओलचिकी पे इसको आगे बढ़ाना? अरे वो लोग तो पहले देवनागरी में भी विरोध कर रहे थे, वो तो रोमन लिपि में वो सीधा सीधी सी बात करते थे कि रोमन लिपि में होना चाहिए। संथाली यहाँ लिपि स्क्रिप्ट का बात हो रही है, संथाली पढ़ेंगे लेकिन स्क्रिप्ट दूसरा होना चाहिए, इस तरह का वो लोगों का मानसिकता है। और जबकि पहले ही आपको बता चुके हैं हम 4-5% लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे माझी बाबा कहे कि इसके पीछे में वो लोगों का माने कुछ बैकिंग है, बिहाइंड वो लोगों का सपोर्ट है, जिसके कारण वो इस तरह के संथाल भाषा कहते हैं लेकिन इस तरह से विरोध करने का उनको साहस आ गया है। तो अभी इस प्रकार जो लोग विरोध करने लग गए हैं, ऊपर से लोग संथाल भी है, क्या वो लोगों को इस प्रकार का विरोध नहीं करने के लिए आप कुछ वो लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए आप स्पष्ट कीजिए कि आप क्यों संथाल भाषा का विरोध कर रहे हैं। खाली आप चिल्ला रहे हैं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि इस राज्य में कि बहु संख्या में जो है संथाल, जो आदिवासियों के बीच में संथाल भाषा ही ज्यादा बहुलक है, चाहे आप आठवें से शामिल भी हो गया, 8वें अनुसूची में भी शामिल है, उसके बाद यूनिक कोड में भी है, है ना। इसके बाद इसके अलावे बंगाल में भी इसकी
मैंने ओल्ड चिक्की में ही पढ़ाए, पठन पाठन होती है, तो फिर आपको इसमें दिक्कत क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, और इसके बारे में वो विचार करे और समझे, और जब हो जाएंगे तो उसको भी मालूम होगा कि हो जाने के बाद उनका भी लाभ होगा। ऐसा बात नहीं है कि अब वो भी पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे कि उसको डिनाई किया जाएगा, यहाँ सरकार उसको डिनाई करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है कि हम यहाँ एक्चुअली में उसके अंदर में तो रोमन ये है ना, दिल में है, लेकिन ओलों का अंदर में रोमन दिल में है, दिल में है। ओलों सोचता है अगर यदि इसको अगर ये इम्प्लीमेंट कर देगी सरकार तो हमारा दब जाएगा बस, और इससे ज्यादा उसका क्या, इनको उनको समझ में नहीं आता कि पहले हम संताल थे बाद में हम धर्म चेंज किए, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा। ये चीज देखो ये कई दिनों का बात है, जब पीओ बॉडी जो है ना संथाल में ये किया, उस समय की बात है, उस समय जो है अंग्रेज लोग धर्मांतरण के लिए भी काम करते थे, पीओ बॉडी ने इसका शब्दकोश बनाए, तो वो लोग को लगता है कि ये संथाल को बचा रहे हैं, है ना, संथालियों को बचा रहे हैं। उधर में पहले तो गरीब गुरबा लोग बहुत थे, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ईसाई लोग ही सच्चा आदिवासी है, और वो लोग आप लोग का जहरा का नाम भी, जैसे हम लोग जहरा का नाम जहरा रख देते हैं चाहे शरणास्थल रख देते हैं, लेकिन वो लोगों को जहरा का नाम भी चेंज कर दिया, जीसस जहरा कर दिया है। अरे ऐसा कहने से और बोलने नाम लिख देने से ऐसा माना जा सकता है कि आप सच्चा ये हैं संथाली हैं? ऐसा बात नहीं, आप देखिए आपका इतिहास, सच्चा कब से आप कहना शुरू कर दिए हैं कि हम सच्चा ये हैं, है ना? आप तो उसके पुजारी नहीं थे अभी जब जीसस के नहीं थे। हाल फिलहाल में तो हम देख रहे हैं कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो लोग भी मुर्गा मुर्गी सब आप लोगों का जहरा में पूजा करने लग गए हैं, करने लग गए हैं। ये एक हमारे लोगों को, जो हमारे लोग तो थोड़ा इस तरह के हैं कि वो लोग समझते नहीं हैं, उसको रिझाना लुभाना इस तरह का वो आकर्षण डाल रहे हैं, और वो लोग समझते हैं कि ये आदिवासी लोग हैं जो लोग ईसाई नहीं हुए हैं वो उस तरह से ये लोग। और एक चीज़ है, पर्व त्यौहार जैसे सोरहा, उधर में सोरहा विशेष करके बहुत ये माना जाता है, तो वो सोरहा भी वो लोग सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं हैं वो लोग, मतलब कहते हैं कहने भर से वो लोग पार कर देते हैं, मानते नहीं हैं, मानते नहीं है। और कुछ एक ऐसा है जो हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, कोई पर्व त्यौहार है जैसे उसको क्या नाम जो दिया है, खैर वो भी जो है जिस तरह का यहाँ नाम से जाना जाता है उसको परिवर्तन कर दे रहा है, खुद अपना नाम परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ इलियस टूडू हो जाएगा, तो उसके बाद किस तरह को, तो इलियस कहाँ से आया, संथाल से तो ये ओरिजिन नहीं हुआ है, कहाँ से विदेश से आया हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि हम एकदम शुद्ध संथाल हो गए हैं। शुद्ध संथाल तो देखिए ये कहना और कर जो वो लोग ये कर रहे हैं कि हाँ ये सब सारी बात एकदम एक हम ये करते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। तो हम लोगों ने बात किया, देखते हैं आगे भी बात करेंगे। हम लोग ओलचिकी को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं, जो वर्तमान में जो विरोध चल रहा उसको लेकर के सौंपे हैं कि कुछ और कुछ आप लोगों का मुद्दा है? देखिए ये विरोध चल रहा है, विरोध करने वाला विरोध करेगा ही, लेकिन यहाँ जो है 99% लोग संथाल समुदाय के लोग जो है ओल चिकी को जो है समर्थन करता है, और ओल चिकी अपना भाषा अपना स्क्रिप्ट है, इसीलिए जो है ये ओल चिकी में कोई विरोधाभास नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ओल चिकी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग देवनागरी में पढ़ना चाहते हैं, तो और अब देख रहे हैं कि विरोध का स्वर पूरा झारखंड में है, एक युवा दूसरा युवा मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो ये सारे युवाओं लोगों को क्या बोलना चाहते हैं वो लोग? देखिए हर व्यक्ति को अपना अभिव्यक्ति अपना आज़ादी है, वो जो भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, लेकिन झारखंड में जो है संथाली में जो है ओल चिकी संथाल अपना स्क्रिप्ट है, और अपना स्क्रिप्ट में अगर उनको संथाली नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े,
लेकिन उनका विरोध करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वैसा आज जो है दुनिया के लोग ना रोमन को विरोध करते हैं, ना हिंदी को विरोध करते हैं, देवनागरी को विरोध करते हैं, ना संस्कृत को विरोध करते हैं। जो व्यक्ति जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा। आज ओल चिकी में केवल आदिवासी संथाल समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि और तमाम समुदाय के लोग ओल चिकी को जो है वो ग्रहण पढ़ना चाहता है। बिल्कुल, आज सुनने में आया कि एक दो मुस्लिम समुदाय भी ओल चिकी को पढ़ के अपना आगे जो बहुत सारे लोग जो यहाँ का नौकरी लेना चाहते हैं वो लोग ओल चिकी पढ़ना चाहते। तो हम ये जो देख रहे हैं कि ये विरोध लगातार बढ़ते ही जा रहा, तो आपके तरफ से प्रगणा होने के नाते, प्रगणा बाबा होने के नाते एक संदेश समाज को, एक युवा को दे के जल्दी ये लोग, अभी आप लोग अनुसूची में शामिल हो गया, अभी उस भाषा को लेकर आगे लेके चलना चाहिए और कोई बोलता है कि पीछे इसको रोक दो। देखिए ये ओल चिकी भाषा जो है ये दुनिया के कई दार्शनिक जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है कि संथाल लैंग्वेज इज द मोर बेटर एंड करेक्ट देन इंग्लिश। तो ये दुनिया वो जो दुनिया उनको मानता है वो जो है वो ये बोल रहा है कि ओल चिकी एक ऐसा स्क्रिप्ट है और संथालों का ऐसा लैंग्वेज है जो दुनिया को जो है एक सूत्र में बांधने का काम कर सकता है। तो ये जो विरोध कर रहा है उसको जो है वो सद्बुद्धि आए कि अपना मातृभाषा, अपना चिकी, अपना स्क्रिप्ट को विरोध करना मतलब जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, और वो मार रहा है वो खुद अपंग होंगे, कल चलने लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अभी उनके अभी भी वक्त है कि आप अपना जन लिपि, अपना जन भाषा को जो है आप सीखिए और उसी के मार्फत आप आगे ऊंचाई तक आप आगे बढ़ेंगे, ये संदेश उनको हम देना चाहेंगे। हम लोग हम लोगों ने अभी बात किया कि लोग बोल रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन एक संदेश जो दिया उन लोगों को, युवा लोगों को समझ में आना चाहिए क्या संदेश मिला है। ये जितने भी लोग हैं सब मैच्योर लोग हैं और यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे बहुत सारे, ओल चिकी को लेकर हो चाहे नगर पालिका को लेकर हो। तो हम लोग इस आवाज को जनता तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के पास आते रहे, और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।